जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। हमने एक बेसिक ग्रामर का कोर्स शुरू किया है, उसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हुए हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो होगा क्लॉज एंड फ्रेज। ये एक बड़ा बेसिक सा और बुनियादी इसका कॉन्सेप्ट है, CLAUSE, क्लॉज एंड फ्रेज। पहले फ्रेज को डिस्कस कर लेते हैं। PHRASE फ्रेज क्या है? होप सो ये 2 लेक्चर्स पे होगा, ये वाला 10 मिनट 15 मिनट के 2 लेक्चर्स बन जाएंगे, क्लॉज पे सेपरेट और फ्रेज पे सेपरेट। आज हम फ्रेज को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉज को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, फ्रेज क्या है? नॉर्मली हमने जब सेंटेंस को बात की थी, सेंटेंस की, तो उसमें हमने हमने बात की थी कि अब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट वुड बी अ सेंटेंस। ओके, अब हम फ्रेज की बात करते हैं तो मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन, मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट वुड बी कॉल्ड फ्रेज। अच्छा, अब मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन में होगा वो कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर हम उस कॉम्बिनेशन को इंडिविजुअल देखें तो इन अ सेंस दैट वुड बी मीनिंगफुल, उसको हम यूं कह लेते हैं। अगर हम उसको यूनिट की बात करते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होगा मीनिंग्स का, सॉरी वर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन जो इन अ यूनिट तो मीनिंगफुल होगा लेकिन ओवरऑल वो मीनिंगलेस होगा। इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए अगर अगर एक बात करते हैं, एग्जांपल करते हैं, तो मैं कहता हूं ऑन द वॉल, इन अ यूनिट अगर हम देखें तो ओके दीवार के ऊपर, विद इन यूनिट फ्रेम ये मीनिंगफुल है, लेकिन जब हम इसे वाइड रेंज में देखते हैं, थोड़ा वैस्ट देखते हैं, तो फिर ये मीनिंगलेस है ना भाई, दीवार के ऊपर क्या, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट इन अ यूनिट दैट कॉम्बिनेशन वुड बी मीनिंगफुल, ये है हमारी फ्रेज की डेफिनेशन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेज। ओके, अगर हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैं कह देता हूं इन द स्काई, इन द स्काई, शायद एग्जाम में बात आ रही हो कि स्काई के लिए इन यूज करते हैं क्या? अच्छा जी हाँ जी, स्काई के लिए अगर हमने प्री पोजिशन यूज करनी है तो वो इन यूज होगी। इसके पीछे रीजन या लॉजिक ये आप याद रखिएगा, जब हम प्री पोजिशन का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए ये याद रखें। ओके, फ्रेज क्या है? मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट इन अ यूनिट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड वुड बी somehow meaningful, somehow ये याद रखिएगा। फाइन, अगर हम इसकी काइंड्स की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रेज, होपफुली आपको फ्रेज इटसेल्फ समझ आ गई होगी। अब हम इसकी काइंड्स की बात करेंगे, ठीक है जी। जब हम काइंड्स की बात करते हैं तो आपने नाउन फ्रेज को याद करना है, मैं वन बाय वन करता जाऊंगा और उसको डिटेल में डिस्कस भी करते चलते साथ ही। व्हाट इज नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़ा वो नाम से भी एक वो उसका समझ में आ रही है बात, कि किसी नाउन को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए या कि किसी नाउन को रीडर तक जरा क्लेरिफाई करने के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज होगा
दैट वुड बी कॉल्ड होल, वो नाउन और उसके साथ वो कंबिनेशन, वो वर्ड्स, वो सारे मिलके नाउन फ्रेज कहलवाएंगे. मैं एक एग्जांपल दे देता हूं. एडम अ स्मार्ट गाय, एडम अ स्मार्ट गाय सिंग्स स्वीट. पूरे सेंटेंस में नाउन क्या आ रहा है? एडम. और अगर हम इसको, मैं इसको हाइड करूं, एडम सिंग्स स्वीट, फाइन. लेकिन अगर मैं कहूं एडम अ स्मार्ट गाय, अब ये जो स्मार्ट गाय है, अ स्मार्ट गाय, ये इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है. नाउन जो एक्ट कर रहा है वो एक अलग बात है. इस नाउन को फर्दर एक्सप्लेन करना या इस नाउन के बारे में हमें फर्दर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इस फ्रेज से मिल रही है. तो ये सारे का सारा जो है इसे हम कहेंगे ये हमारे पास नाउन फ्रेज है. मैं एग्जांपल और कर लेता हूं. वन ऑफ माय फेलो एडम प्लेज वेल. होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एक नाउन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो फ्रेज यूज किया जाएगा उस फ्रेज को और नाउन को मिला के हम कह देंगे ये नाउन फ्रेज हो गया. ये हमारी एक कैटेगरी होगी. उसके बाद अगर हम दूसरी टाइप की बात करें तो आपने शायद ये प्ले नहीं बात हो, वर्ब फ्रेज पढ़ना है. अब वर्ब फ्रेज क्या है? एक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. वर्ब फ्रेज क्या है? तो फ्रेज इटसेल्फ मीनिंगलेस होगा, हमने पहले पढ़ लिया. अब जो जिसके साथ वो फ्रेज मिलके उसको जितना एक्सप्लेन कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे नाउन फ्रेज या वर्ब फ्रेज या फर्दर जो भी देखेंगे वो होगा. अब वर्ब फ्रेज में क्या है जी? वर्ब फ्रेज में सपोज मैं एग्जांपल कर लेते हैं. मैं कहता हूं एडम इज सिंगिंग. एडम इज सिंगिंग, इसमें बेसिकली जो ये वर्ब है, ओके. अब इस वर्ब को सपोर्ट जो कर रहा है वो है ये एक वर्ड जिसे हम इज बोलते हैं और इसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी बोलते हैं. ये ऑक्सिलरीज में से एक है. इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक वर्ब की सपोर्ट के लिए, वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए नॉर्मली जब कभी हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं या ऑक्सिलरीज यूज करते हैं तो वो जो ऑक्सिलरीज और वो वर्ब ये दोनों मिलकर वर्ब फ्रेज कहलाएंगे. इन दोनों को फिर हम कहते हैं ये पूरा एक कंबिनेशन जो है ये वर्ब फ्रेज है. बेसिकली वर्ब किसी एक्शन का एग्जिस्टेंस है ना, किसी एक्शन की एग्जिस्टेंस है, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ जो है वो सपोर्टेड है. इसलिए उस वर्ब के लिए जब हम ऑक्सिलरी यूज करते हैं तो वो ऑक्सिलरी और वो वर्ब दोनों मिलके क्या होंगे? वर्ब फ्रेज होंगे. फाइन. नेक्स्ट देखिएगा नंबर थ्री पे, अगर हम नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, अच्छा एडजेक्टिव फ्रेज. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडजेक्टिव फ्रेज. इसको थोड़ा सा रिमूव करके तो जो है, सॉरी, इसके लिए हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि जरा ए डी जे ई सी टी आई वी ई एडजेक्टिव पी एच आर ए एस ई. एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? पहले तो एडजेक्टिव देख लेते हैं. एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव बेसिकली किसी नाउन को क्वालिफाई करती है जब क्वालिटी, एक नाउन और जब हम उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हो तो उस क्वालिटी को हम कहते हैं एडजेक्टिव. सपोज उसकी एग्जांपल अगर मैं करूं तो आपने टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वो उसकी डिग्रीज एडजेक्टिव की ही डिग्रीज हैं. अच्छा आपने लाइक स्मॉल यू कह रहे, तो ये जो है ये एडजेक्टिव हैं.
जब वन वर्ड होगा तो उसे हम कहते हैं वो एडजेक्टिव है, और जब उस वन वर्ड एडजेक्टिव के साथ मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ये क्या आ गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। लाइक मैं अगर बोलूं, मैं कह देता हूं एडम, एडम इज माय फेवरेट नेम, दैट्स व्हाई आई ऑफन यूज एडम। एडम सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। अब जरा देखिएगा, एडम सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, तो इसमें ये एक क्वालिटी लग रही है, क्वालिटी। ये क्वालिटी किसकी है? ये नाउन है। इस नाउन की स्वीट एक क्वालिटी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये है एडजेक्टिव, ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनेगा। मैं कह देता हूं एडम सिंग्स वेरी स्वीट ऑन स्टेज और ऑन द स्टेज। आपको समझ आई बात की? यहां पर वन वर्ड था क्वालिटी का, तो वो क्या है? वो है एडजेक्टिव। ओके, अब ये वेरी स्वीट, एडम सिंग्स वेरी स्वीट, अगर हमने सॉन्ग्स भी ऐड करना होगा साथ में ताकि वो नाउन हो जाए, वेरी स्वीट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज। तो क्या हुआ जी, ये हमारे पास नाउन, और ये नाउन के साथ उसके एडजेक्टिव, मगर मीनिंगलेस। वेरी स्वीट तो हमें समझ नहीं आती ओवरऑल वैसे बात है, लेकिन अगर वेरी स्वीट को भी इन अ यूनिट उसकी इकाई में देखें तो ओके मीनिंगफुल है, मगर जब हम उसके उसको वाइड रेंज में देखते तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए एडम सिंग्स वेरी स्वीट सॉन्ग्स, तो दैट वुड बी कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा नंबर फोर पे मैं बात करता हूं पी आर ई पी ओ एस आई टी आई ओ एन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसमें क्या है? प्रीपोजिशन क्या है हमें पता है, किसी भी बेसिकली किसी नाउन की प्लेसमेंट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे ऑन, ऑफ, एट, ओवर, या जितने भी आपने पढ़े हुए हैं, या ओके प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब क्या आ जाएगा, मैंने ये दो एग्जांपल सबसे पहले लिख दी थी, ऑन द वॉल, इन द स्काई, तो बेसिकली ये देखें ये प्रीपोजिशन है ऑन और इन भी, इसका मतलब है इनका इस्तेमाल जब हम कर लेंगे तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा पूरे का पूरा। लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूं, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, मैं कहता हूं इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब क्या हो गया, इन द स्काई, इन प्रीपोजिशन और इसके बाद स्काई आ गया, तो क्या हो जाएगा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा चलिए बात कर ही लेते हैं, इन क्यों यूज हो गया, स्काई के साथ इन क्यों यूज हो गया। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी ओवरहैंगिंग अशिया, चीजें, प्रोडक्ट्स, व्हाटएवर, ओवरहैंगिंग जो हमारे सरों से ऊपर नीचे को लटक रही हैं, उनके प्लेसमेंट के लिए बेसिकली इन यूज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ओके, मून ग्लोज इन द स्काई, फाइन। इसी तरह से अगर किसी दरख्त के ऊपर फ्रूट की बात करते हैं हम, या पत्तों की, उनके लीव्स की बात करते हैं, तो वो ओवरहैंगिंग है, ओके, उनके लिए भी हम इन यूज करते हैं, ऑन यूज नहीं करते, फाइन। लास्ट वन हमारे पास है नंबर फाइव पे, नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, और अब हम बात करते हैं लास्ट वन है जो एडवर्ब, एडीवीईआरबी, एडवर्ब फ्रेज, फाइन। एडवर्ब फ्रेज क्या है, अब उससे पहले थोड़ा सा एडवर्ब को देख लेते हैं, व्हाट इज एडवर्ब। जिस तरह से हमने एडजेक्टिव को पढ़ा था, एडजेक्टिव एक नाउन को, नाउन का मॉडिफायर है,
किसी नाउन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए वन वर्ड, वन ये बात याद रखिएगा, वन वर्ड वो क्या आ जाएगा, वो एडजेक्टिव होता है, जैसे स्वीट, टॉल, स्मॉल एक्सेट्रा, ब्यूटीफुल, प्रीटी एक्सेट्रा. अब एडवर्ब क्या है, एडवर्ब नॉर्मली वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, यूं कह लीजिए वर्ब को, वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं. लाइक अगर मैं बात करूं, चले यही कर लेते हैं, एडवर्ब की अगर हमने एक एग्जांपल करनी हो तो मैं कह देता हूं, क्योंकि उधर बोर्ड पे जगह कम है इसलिए एडवर्ब फ्रेज की और एडवर्ब की हम यहीं पे बात कर लेते हैं. मैं कह देता हूं एडम सिंग्स स्वीटली, एडम सिंग्स स्वीटली, इसका मतलब क्या आ गया कि ये जो स्वीटली है ये हमारे पास एडवर्ब है, जो के एडम को नहीं बल्कि उसके उस एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, उस एक्शन के बारे में बात कर रहा है. जब एक लव्स, जब एक मॉडिफायर, जब क्वालिटी आप उसे कह सकते हैं, जब कोई क्वालिटी किसी वर्ब को एक्सप्लेन करेगी, वर्ब को मॉडिफाई करेगी, वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा नहीं है, तो उस सेंस में उसे एडवर्ब बोलते हैं. ओके फाइन, नेक्स्ट हमने देखना है कि एडवर्ब फ्रेज क्या है. मैं कह देता हूं एडम, सॉरी ये एडम, एडम सिंग्स वेरी स्वीटली टोन, एडम सिंग्स इन वेरी स्वीटली टोन, या वेरी स्वीट इन अ स्वीट टोन, आप यूं कह लीजिए एडम सिंग्स, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, एडम सिंग्स इन अ स्वीट टोन. तो अब ये जो सारी की सारी बात है, अगर हम इसको एज ए यूनिट बात करें, इन अ स्वीट टोन, तो सम हाउ मीनिंगफुल, लेकिन इन अ वाइड रेंज ये मीनिंगलेस है. अब जब हम इसको यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस में, एडम सिंग्स इन अ स्वीट टोन, तो ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज. फाइन जी, अब एडवर्ब फ्रेज की भी आपको समझ आ गई, और ये हमारे पांच टॉपिक थे आज के फ्रेज से रेलिवेंट. फ्रेज से रेलिवेंट हमने पहले फ्रेज को पढ़ लिया, उसके बाद काइंड्स ऑफ फ्रेज पढ़ ली, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. मुझे अभी आपको एक एग्जांपल देनी है, मैं इसको रिमूव करूंगा बोर्ड को, और उसके बाद वो पूरी एक एग्जांपल जिसमें मेरी कोशिश ये होगी कि हम उस सेंटेंस के अंदर ये पांचों फ्रेजेस को एक ही फ्लो में और एक ही जगह पर डिस्कस कर लें, ताकि आपका बाकी का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए. तो उसके लिए मुझे एक दफा बोर्ड रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर देखते हैं. ठीक है, अब इस तरह से है कि कोशिश यही है कि आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए इस लेक्चर से, और ओवरऑल ये जो हमने एक सीरीज शुरू की है, तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेरे व्यूअर्स से कि अगर वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिल जाए. ओके, एक एग्जांपल मैं लिखने लगा हूं, एडम अ स्वीट गाय इज सिंगिंग अ रोमांटिक सॉन्ग gladly on the stage. Fine. एक ये मैंने example लिख ली. अब इसमें हम search करते हैं कि भी हमने जो पांच categories पढ़ी हैं phrase की, वो कहां कहां fall कर रही हैं. अगर आप देखें Adam a sweet guy, तो ये क्या हो सकता है? अब बिल्कुल सही पहुंचे हैं. ये हमारा हो जाएगा noun phrase. That is called noun phrase. Okay? Is singing. ये एक verb है
और इस वर्ब को फर्दर सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मैं मॉडिफाई वर्ड यूज नहीं कर रहा। वर्ब को जब मॉडिफाई करना है तो फिर हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी या फर्दर एडवर्बियल फ्रेज की। ओके, मैं सिर्फ इसको सपोर्ट की बात कर रहा हूं, सिंगिंग को सपोर्ट करने के लिए इज यूज हो गया है, तो इस सारे को हम कहेंगे ये हमारे पास हो गया है वर्ब फ्रेज। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद है सॉन्ग एक नाउन है, सॉन्ग एक नाउन है, और इस नाउन को फर्दर रिप्रेजेंट कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है या हमारे लिए ज्यादा क्लियर कर रहा है आर रोमांटिक वर्ड। तो हम ये सारे को, ये फिर हमारे पास नाउन फ्रेज आ गया। वेरी गुड, ये हो गया हमारे पास नाउन फ्रेज। फाइन, अब उसके बाद देखिए ये जो ग्लैडली है, ग्लैडली बड़ी खुशी के साथ, तो ये कोई एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है ना, ये कोई क्वालिटी नहीं है नाउन की, बल्कि ये क्या है, एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। ग्लैडली बड़ी खुशी के साथ, हम खुशी के साथ कोई काम करते हैं ना, हम खुशी के साथ कोई नाम किसी के साथ खुशी लगाना थोड़ा सा वो और सेंस हो जाएगी। तो क्या है ग्लैडली, बेसिकली वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वर्ब को या वर्बियल फ्रेज को, सॉरी वर्ब फ्रेज को, वर्बियल नहीं कहेंगे। ओके, तो अब ये ग्लैडली है तो ये सिर्फ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी एडवर्ब, ये क्या है एडवर्ब, ये एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज नहीं यूज हुआ यहां पर, ये क्या है जस्ट एडवर्ब। फाइन, उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द स्टेज, तो ये क्या है प्री पोजिशनल फ्रेज, इसे हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अभी हमने पांच कैटेगरीज पढ़ी थी, उसमें नाउन फ्रेज आ गया, वर्ब फ्रेज दूसरा आ गया, उसके बाद एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब आ गया और प्रीपोजिशनल आ गया। अच्छा, इसमें अब हमारे पास अ रोमांटिक सॉन्ग,